पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में दो दिवसीय 62वीं अखिल भारतीय रेलवे ग्रीको रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ, जिसके संबंध में नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने बताया कि यह पूर्वोत्तर रेलवे के तत्वावधान में रोमन कुश्ती चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ है, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे के साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाग ले रहे हैं, जिनके बीच कड़ा मुकाबला दो दिनों तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि सभी खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और ख्याति प्राप्त खेल को बढ़ोतरी प्राप्त होगी। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। 27 मार्च को चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने कहा, सबसे पहले के डब्ल्यू सी टीम से प्रत्येक बात करते हुए हमारे मुख्य अतिथि योगेश मोहन था, रेलवे की टीम के सामने दर्शन देना है हमारे बात के टीम के कोच हैं और बहुत जो मतलब सबसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय कोच के खिलाड़ी देते हुए चैंपियनशिप में भाग लेंगे। मैं रेलवे बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि ये चैंपियनशिप हम लोग आयोजित कर सकें। ये हमारा सौभाग्य है। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आशा है कि इस टूर्नामेंट में आप लोग बढ़ चढ़ के पूरे जोश से और पूरी लगन से भाग लेंगे। कुश्ती हमारे देश का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। पिछले ओलंपिक में कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे बहुत खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे अच्छे पदक और लॉरल हासिल किए हैं। कई लोगों से मेरी आज मुलाकात हुई है। इसमें बहुत हाई लेवल के अर्जुन अवार्ड, गोल्ड मेडलिस्ट, न जाने कितनी बड़ी गैलेक्सी है उपलब्ध है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टूर्नामेंट से हमें और नए प्रतिभाशाली और इस देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी प्राप्त होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो बेस्ट प्लेयर देंगे।
चले जो भी पहलवान यहाँ पे। ये रेलवे बोर्ड के तत्वावधान में आयोजित प्रतियोगिता जो है, इंटर रेलवे प्रतियोगिता है, उसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन रेलवे उसको होस्ट कर रहा है। हमारे पास पूरी भारतीय रेल से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति के प्रख्यात पहलवान उपलब्ध हैं। इनके बीच में आज और कल दो दिन काफ़ी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आए हुए लोग अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे और हमें इस देश को, हमारे इस ख्याति प्राप्त खेल को काफ़ी बढ़ोतरी प्राप्त होगी इस टूर्नामेंट से। मेरे ख्याल से 16 टीमें हैं, नौ टीमें हैं। सम्मानित किया जाएगा जो विजेता होगा। हाँ, जो विजेता होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। कल हमारे AGM साहब शायद आएंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए।